हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं डॉक्टर दिनेश कुंडू। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको लेके लोगों को में काफ़ी कंफ्यूजन है। हाउ टू चूज द राइट टूथपेस्ट फॉर योर डेंटल नीड। देखिए, मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ टूथपेस्ट अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल है, बट आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सा सबसे बेहतर है, आज हम जानेंगे। मैं इन टूथपेस्ट को जो मार्केट में अवेलेबल है उनको चार कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है फ्लोराइड टूथपेस्ट की, दूसरी जो कैटेगरी है वो है वाइटनिंग टूथपेस्ट की, तीसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट की, और जो चौथी कैटेगरी है वो है हमारी हर्बल टूथपेस्ट की। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्लोराइड टूथपेस्ट के बारे में। देखिए, फ्लोराइड टूथपेस्ट जो है उन लोगों के लिए है जिनमें कैविटी बहुत बार बार होती है, मतलब फ्रीक्वेंटली कैविटीज हो जाती है, तो उन केस में आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है वो बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी, दोनों के लिए सेफ है। लेकिन जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है उसकी जो मात्रा है बच्चों के लिए कम होती है फ्लोराइड कंटेंट की, और जो एडल्ट्स के लिए है उसमें ज्यादा होती है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस टूथपेस्ट को आप यूज करने से पहले डेंटिस्ट की सलाह जरूर लें। जो दूसरी टाइप की कैटेगरी जो अवेलेबल है मार्केट में वो है वाइटनिंग टूथपेस्ट। वाइटनिंग टूथपेस्ट देखिए उन लोगों के लिए है जिनको नेचुरली अपने दांत वाइट करने हैं, बट ध्यान रहे इसको हम मॉडरेशन में यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको एक्सेसिव यूज करेंगे तो जो हमारी दांत की बाहरी लेयर है जिसको हम इनेमल बोलते हैं वो हमारी कम हो जाती है और हमें सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी जो कैटेगरी है हमारी जो मार्केट में अवेलेबल है वो है हमारी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट। ये उन लोगों को हेल्प करता है जिनको बहुत ही ज़्यादा ठंडा गर्म लगता है, और ये डिफरेंट कंपनीज का मार्केट में अवेलेबल है, बट आप इसको डेंटिस्ट से कंसल्ट करके ही लें। देखिए, जो चौथी कैटेगरी जो मार्केट में अवेलेबल है वो है हमारी हर्बल टूथपेस्ट। जो लोग बिल्कुल केमिकल फ्री टूथपेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर हमारे जो हर्बल इंग्रेडिएंट है उनको यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि नीम, तुलसी, एलोवेरा या फिर क्लोव ऑयल, ये सब जो इंग्रेडिएंट है वो सिर्फ हर्बल टूथपेस्ट में मिलते हैं, तो वो लोग इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चार कैटेगरीज हैं हमारी जो मार्केट में अवेलेबल है टूथपेस्ट की। लेकिन मेरी सलाह ये है आप कोई भी टूथपेस्ट चूज करने से पहले डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट करें ताकि गाइड कर सके आपके लिए टूथपेस्ट कौन सा बेस्ट है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा टूथपेस्ट आप चूज करें अपने लिए जो आपके लिए बेस्ट हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।